धार जिले के मनावर के पाटीदार परिवार ने गोमाता को परिवार के सदस्य की तरह पाला। जब गोमाता ने अंतिम सांस ली तो परिवार में मातम छा गया। गोमाता के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में समाजजन, समाज सेवी और गो सेवक आए और गोमाता को अंतिम विदाई दी। मनावर के शोभाराम पाटीदार गौमाता को एक परिवार के सदस्य की तरह पालता था, जिसका नाम श्यामा रख दिया। जब गौमाता ने अंतिम सांस ली तो उनके परिवार में मातम सा छा गया। पाटीदार ने गौमाता के अंतिम विदाई के लिए समाज से महिला पुरुष, समाज सेवियों व गौ सेवकों को बुलाकर गौमाता की अंतिम विदाई पूरी रीति रिवाजों के साथ विदाई दी। गौमाता के अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया उस वाहन को फूल मालाओं से सजाया और ढोल ताशों के साथ महिलाओं ने गीत गाकर गौ माता के जयकारों के साथ विदाई दी। वह संदेश दिया कि गौ माता को पालने से बड़ा पुण्य का काम है, घर परिवार में सुख शांति रहती है। आज गुजराती परिवार ने हिंदू समाज के लिए एक उदाहरण पेश किया है। गौ माता जो हम सबकी सम्माननीय है, धरती, नदी और गाय, ये ऐसी माताएं हैं जो अपना कोई भी ऋण अपने पर बाकी नहीं रखती, वो दो गुना करके हमें वापस देती है। तो उनकी आज अंतिम यात्रा उनके गुजराती परिवार के निवास से निकाली गई तो ससम्मान उनको विदाई दी गई। ये पूरे हिंदू समाज के लिए उदाहरण है और पूरे हिंदू समाज को गौ माता का अंतिम संस्कार विधि विधान से करना चाहिए, यही सभी का आग्रह रहा, पूरे परिवार का। और इस रीत को हमें सभी को, पूरे हिंदू समाज को लेकर चलना चाहिए। गौ माता हमारे साथ 2008 में हमारी परिवार का सदस्य बनी थी, जिसकी अंतिम यात्रा आज दिनांक 22/12/2019 को पूरे परिवार ने और समाजजनों ने मिलकर अंतिम विदाई हमने दी। वो भी हमारी एक परिवार की सदस्य रही। गौ माता ने हमारी सेवा करी है, हमने उसकी इतनी सेवा हम नहीं कर पाए जो गौ माता ने हमारी करी है। इसके किस तरह से संदेश देते हो? परिवारजनों एवं समाजजनों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी हो, गौ माता को सब अपना परिवार का सदस्य माने, क्योंकि गौ माता हमारी सेवा करती है।